हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लास। सभी दोस्तों का हमारे से डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आज की ये क्लास 27 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर हम एडिशनल फैक्ट्स के साथ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इटालियन कप खिताब जीता है? नेपोली, चेल्सी फुटबॉल क्लब, एफसी गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नेपोली फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इटालियन कप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया है? अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया या ब्रिटेन। तो भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका देश में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कहां पर देविका और पुनेका ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? मिजोरम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या मेघालय। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य में देविका और पुनेका ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएम ने स्किल्स बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नीति आयोग, पर्यटन मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या सूचना मंत्रालय। तो आईबीएम ने यह समझौता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क की परियोजना सौंपी है? बेल, गेल, सेल या एनटीपीसी। तो माली गणराज्य ने एनटीपीसी को 500 मेगावाट सोलर पार्क की परियोजना सौंपी है। एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? 12,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 5,000 करोड़। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाब बाई संगम नेरकर को विट्ठा बाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गुलाब बाई संगम नेरकर को विट्ठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और महाराष्ट्र की बात करें, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। और महाराष्ट्र में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा प्रज्ञान भारती योजना शुरू की गई है? असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो हाल ही में असम सरकार द्वारा प्रज्ञान भारती योजना शुरू की गई है। असम की बात करें, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी और असम के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नंबर एक, माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सेकंड पॉइंट है, भी असम की लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। और थर्ड पॉइंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में स्थित है जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा ई ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी या प्रकाश जावड़ेकर। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ई ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे ऑफ द सिफर कब मनाया गया है? 24 जून, 21 जून, 25 जून या 22 जून। तो डे ऑफ द सिफर 25 जून को मनाया गया है। नेक्स्ट, और इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायती पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2020 का ई पंचायती पुरस्कार जीता है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, राजधानी शिमला और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष स्थान को मंजूरी दी है? आई एन स्पेस, आई एन ध्रुवा, आई एन आदित्य या इनमें से कोई नहीं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आई एन स्पेस नाम से एक अंतरिक्ष स्थान को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मेरापी ज्वालामुखी फटा है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, इराक या ईरान? तो हाल ही में इंडोनेशिया देश में मेरापी ज्वालामुखी फटा है। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और इसी तरह की हमारी डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।